यार देखो, हम सभी तो जानते हैं कि इस स्लॉथ कितना ज्यादा स्लो होता है, लेकिन इस स्लॉथ के साथ ही साथ इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। अब आप सोचो कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना ज्यादा स्लो होगा। ज्यादातर लोगों ने तो शायद से सोचा है कि मैक्सिमम 3-4 दिन तक हो सकता है, लेकिन नहीं, ये जो स्लॉथ होता है इसे लगभग कोई भी खाना डाइजेस्ट करने के लिए 1-2 वीक तो लग ही जाता है। अब ये होता इसलिए क्योंकि इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये हर दिन चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख देना।